दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसके अंतर्गत नियोजित शिक्षकों का मामला चल रहा था। नियोजित शिक्षक जो कि बहुत दिनों से स्कूल कर रहे हैं, उन लोगों की ये डिमांड थी कि भाई हमें डायरेक्ट जो है राजकर्मी बनाया जाए, हमें शिक्षक भर्ती में ना बिठाया जाए। तो ये इस वजह से बहुत लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा था और काफी लोगों ने भरा भी था। लेकिन अब यहां पर एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्या है यहां पर पूरी बात, आप देख सकिए आज की अपडेट है। तो 4 लाख नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल सकता है, इस मामले में जो है शनिवार को महागठबंधन नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही राज्यकर्मी का दर्जा देने संबंधी निर्णय पर सहमति बन जाएगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी जो भी नियोजित शिक्षक को वेतन मिल रहा है और राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद उसमें बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा। और राजकर्मी का दर्जा दिए जाने पर राज्य सरकार का बजट लगभग 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अभी नियोजित शिक्षक को ईपीएफ के तहत राशि काटी जा रही है, राजकर्मी होने पर न्यू पेंशन स्कीम में दायरे में आ जाएंगे, उसी वजह से खाली ये खर्चा बढ़ेगा। राज्य के अलग अलग शिक्षक संघ भी वेतनमान की वृद्धि के लिए किए बगैर राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं कि वेतनमान जो है उसी पे आप राजकर्मी बना दीजिए अभी। और राजकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई से बाहर आकर जिला स्तर के शिक्षक हो जाएंगे, जो बेसिकली शिक्षक भर्ती से यहां पर जो है होने वाले। इससे शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और देखिए क्या कहते हैं, 34,540 शिक्षक की तरह ही इन शिक्षकों को भी एक बार अंतर जिला तबादला का मौका मिलेगा। मतलब आप जो है डिस्ट्रिक्ट भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है 14 शिक्षक संगठन ने मिलकर शिक्षक संघर्ष का मोर्चा बनाया है। और इन्होंने क्या है कि 2023 में जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 अभी हमारी आई है, जिस पर बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि समान अभ्यर्थियों के साथ नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी से जारी 1.7 लाख शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होने के बाद ही राज्यकर्मी कोटे के शिक्षक में शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान शिक्षा में पटना में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अभी क्या है कि ये 4 लाख भी अगर जुड़ते तो कंपटीशन और बढ़ता, क्योंकि ये भी वही 1.7 लाख में से वो राज्यकर्मी बनते। अब देखिए वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है और जो है अलग अलग दल के नेताओं ने इस पर बात भी किया है ना। तो अब यहां पर देख लीजिए कि दर्जा मिलने पर क्या होगा। तो दर्जा मिलने पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और ये जो है नियोजन इकाई से बाहर आ जाएंगे और जिला स्तर पर आ जाएंगे, है ना। और ये बहुत अभी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी बदल जाएगी। तो ये एक दोस्तों एक अच्छी चीज है और सरकार के तरफ से ये पहल है। और अब यहाँ पर जो आगे बैठक है, शनिवार को जो बैठक है उसमें क्या होता है वो भी एक देखना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म ये सोच के भी नहीं भरा है, तो अगर उनके हित में फैसला नहीं आता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर या तो अब क्या होता है वो तो सरकार ही बताएगी। लेकिन फिलहाल के लिए यही है और आगे के अपडेट के लिए भी आप लोग बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।